सोचें कि 15 साल कितनी एज हो गई इन लोगों की, अब ये किधर जाएंगी? पहले 8,000 पे हमें कर रहे थे, अब वो भी अगर नहीं देंगे तो हम लोग किधर। शाना बशाना खड़े रहेंगे। मुलाजमीन का कहना था, हम गुज़श्ता 15 सालों से सेहत के शोबे में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, पर हुकूमत को मुस्तकिल करने के बजाय हमें नौकरियों से फारिग कर रही है, जो जुल्म नाइंसाफी और ज्यादती है। एहतजाजी धरने में मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज जारी रहेगा। अगर मुतालबात ना माने गए तो मुजफ्फराबाद की जानिब मार्च किया जाएगा। KTV से गुफ्तगू करते हुए मुलाजमीन का कहना था कि हमने 15 सालों तक खिदमत सर अंजाम दी, मुलाजमीन से मुतअद्दिद बार वादे किए गए, पर अब जब हमारी उम्रें ख़त्म हो गई तो हमें मुस्तकिल करने के बजाय नौकरियों से और फारिग करके हज़ारों मुलाजमीन को बेरोज़गार किया जा रहा है। यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे आल पर रहम करें। सन 2007 से हम लोगों को आप लोगों ने घसीटे रखा हुआ है, सन 2022 तक आप हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी ना करें। हम आपकी बेटियों की जगह हैं, बहनों की जगह हैं, आप हमारी जगह अपनी बेटियों और बहनों को रख के देखें कि जिस जगह हम लोगों को CMW बना के भेजा है, वहाँ ना गाड़ी का बंदोबस्त था, ना पैसों का कोई बंदोबस्त था। यहाँ LHVs 5,000-10,000 लेके एक डिलीवरी करवाती हैं, हम बगैर पेमेंट के 8,000 पे, वो भी कभी मिलती थी कभी नहीं, लेकिन हम लोग इतने दूर दूर गए, पाँव के बल चल के गए कि हम लोगों के ये बहन हमारी मजबूर है, हम उसके पास जाएं। ये एहतजाज इस नोयत का है कि MNCH प्रोग्राम, जो कि नेशनल लेवल का प्रोग्राम था और पूरे पाकिस्तान में ये प्रोग्राम 2007 में लॉन्च किया गया, और इस प्रोग्राम को इस बुनियाद पे लॉन्च किया, क्योंकि ये माँ बच्चे की सेहत के हवाले से प्रोग्राम था। पूरे पाकिस्तान में ये प्रोग्राम नारुन मिजानी पे मुंतकिल हो चुका है, सुबह पंजाब में, सुबह सिंध में, KPK में और सुबह बलूचिस्तान में। अब जब आज़ाद कश्मीर में इस प्रोग्राम का नंबर आया कि इस प्रोग्राम को 1 जुलाई 2022 से नारुन मिजानी पर मुंतकिल करना था, लेकिन अब आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस प्रोग्राम को नारुन मिजानी पर मुंतकिल करने की मंजूरी दी हुई है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस प्रोग्राम को नारुन मिजानी पर मुंतकिल करने की मंजूरी दी और साथ में स्पेशल नोट लिखा कि 60 दिन के अंदर इस प्रोग्राम के तमाम मामलात क्लियर करके मुझे रिपोर्ट दें। अब जबकि इन लोगों को 1 जुलाई 2022 से नारुन मिजानी पर मुंतकिल करना है और सेक्रेटरी मालियात ये कहकर इन लोगों को इनकार कर रहा है कि हमारे पास बजट मौजूद नहीं है। आज आप, मैं और पूरी रियासत के जितने भी लोग हैं, इस बात से बाखबर हैं कि हमारी माएँ बहनें आज रोडों पर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं। ये MNCH प्रोग्राम जो साबका हुकूमत में नारुन मिजानी में लाया था, और वज़ीर आज़म रियासत ने इनको नारुन मिजानी में ला कर इनको सर्विस को बेहतर करने की कोशिश की थी, आज उसी प्रोग्राम को एक सेक्रेटरी मालियात ने यह कह कर के हमारे पास फंडिंग नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, और 30 दिन से इनको फारिग कर दिया जाए। मैं समझता हूँ आज वो लोग, आज अगर वज़ीर आज़म रियासत का वज़राए कराम मशीर सेक्रेटरी साहिबान और पूरी ब्यूरोक्रेसी इस बात को पीट रही है कि हमारे जो गुजारा नहीं हो रही है इस महंगाई के अंदर, आज वो हमारी बहनें जो दिन रात 24 घंटे सर्विस देकर जो वो काम कर रही हैं, उनको सर्विस से निकाल दिया गया है। तो मैं समझता हूँ ये 1200-1400 गिरानों को जो है वो बेरोज़गार करके उनको रोडों पर चढ़ाया जा रहा है,
हुकूमत को अपनी पॉलिसी पे, और जो ये जो सेक्रेटरी साहिबान हैं, ये जो लंट अफसरान है, यहाँ पे आकर रियासत के अंदर लोगों को बेरोज़गार करके, लोगों को व रोडों पर चढ़ा कर माशरे के अंदर, रियासत के अंदर जो अफातफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि खुदा रहा ऐसा ना किया जाए। अगर ऐसा किया गया तो रियासत भर की जितनी तनजीमें और बिलखसूस महकमा सेहत के अंदर जो हेल्थ इम्प्लॉयज फेडरेशन है, देखें जो इस वक्त गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर जो इकदाम उठा रही है, ये हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा जुल्म कर रही है कि 1200 खानदानों को बेरोज़गार करके उनके चूल्हे बुझाए जा रहे हैं। हम गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से पुरजोर मुतालबा करते हैं, बिलखसूस सेक्रेटरी मालिया से, कि इन लोगों को नॉर्मल मिजानिए पे मुंतकिल किया जाए। और साथ हम तो ये मुतालबा कर रहे हैं इस दौर में, इस महंगाई के इस तूफान में जो है ना 8000 पे मुलाजम को जाना उसके उजरत देना, ये बहुत बड़ी नाश, इनकी तनख्वाहों को भी जाना बढ़ाया जाए जाना, और फिर इनकी नौकरी ख़त्म होने से इनके घरानों को तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन आम पब्लिक को जो एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने जा रहा है वो ये है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ दूर दराज के एरियाज़ में इनके जच्चा बच्चा सेंटर कायम हैं, और इनके प्रोग्राम को ख़त्म होने की वजह से वो तमाम सेंटर बंद हो जाएंगे। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट के तमाम सेहत के मराकज में मरीज़ स्टाफ की अदम दस्तियाबी की वजह से मसाइल का शिकार हैं। मुलाजमीन खवातीन का कहना था, हम बच्चों घर को छोड़कर 15 सालों से सेहत के शोबे में खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, रियासत तो माँ होती है, लेकिन आज हमें 15 सालों के बाद जब लोग पेंशन आते हैं फारिग किया जा रहा है। मुलाजमीन का कहना था, हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो मुजफ्फराबाद की जानिब हज़ारों मुलाजमीन अपने हकूक़ के लिए मार्च करेंगे। मैं CMW शाहीन अख्तर हूँ। मैंने 14 नवंबर 2007 से MNCH प्रोग्राम को ज्वाइन किया और सब 15 साल से मैं अपने गांव में MNCH के जो माँ और बच्चे की सहूलियातें वो फ्राहम कर रही हूँ। दूर दूर जगहों पे जाके हम लोग पैदल चल के माँ और बच्चे की सेहत के लिए किसी के घर में जाकर हम लोगों को उनको सहूलतें मुहैया करें। और सब 15 साल से 8000 स्टाइपेंड पर मैं इस महकमे में काम कर रही हूँ। अब जबकि 15 साल गुजर जाने के बाद महकमा मालियात ने इससे इनकार किया, इसको हम लोगों को 30 जून तक फारिग करने का कहा है। MNCH से नाराज ये है कि ये जो MNCH का मतलब है माँ बच्चे की सेहत, इसको इंग्लिश में अगर कहा जाए तो मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड हेल्थ। माँ बच्चे की सेहत के हवाले से ये प्रोग्राम 2007 में लॉन्च हुआ था और 2007 से लेकर 2022 गुजर चुका है, 2022 तक ये प्रोग्राम चल रहा है। कि MNCH प्रोग्राम को ख़त्म करने का हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि पहले से ही महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर पे बहुत बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। 31 पोस्टें नॉन सेक्शन डिस्पेंसरी डिस्ट्रिक्ट सुदनोती के अंदर दी हुई हैं, वो भी मुलाजमीन पे लोड है। बेशुमार सेंटर हैं जहां LHVs और आया काम करती हैं, उनकी वजह से पूरी आवाम को बेनिफिट पहुंच रहा है और महकमा सेहत की इज्जत है। इनमें CMW मौजूद हैं, LHVs मौजूद हैं, ये हम आज़ाद कश्मीर के अंदर 24/7 अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। और CMW जो आज़ाद कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाके लीपा वैली में और मुख्तलिफ किस्म की जगहों पे जहाँ पे हमारे सेहत के सेंटर मौजूद नहीं है, वहाँ पे ये बारिशों में शदीद किस्म की गर्मी में जाके अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी जा रही है और अब इनके साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। ये देखें इनके बच्चे भी इनके साथ मौजूद हैं और इनका तमाम रोज़ी रोटी का यही ज़रिया है, MNCH से 8000 रुपया लेकर अपने घर के और अपने चूल्हों को जला रहे हैं। अब MNCH को बंद करने का मकसद यह है कि इन लोगों के चूल्हे बंद करके इनको मजबूर किया जा रहा है कि ये मुख्तलिफ किस्म के क्राइम्स में शामिल हो जाएं।